क्योंकि आप जैसे बच्चे तंग करते हैं ना यहाँ पर आकर परिंदों को, ये हमने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। अच्छा कुछ नहीं कहता चाचू, आप आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ, अभी आ जाओ, हम खड़े हुए हैं, अभी आ जाओ, आ जाओ, आपको कुछ नहीं कहेगा वो, अभी हम खड़े हैं ना, कुछ नहीं कहेगा, बस डराएगा थोड़ा सा। यार ये बहुत ज्यादा फायदा देता है ईगल हमारा। शयान पहले बहुत तंग करता था, ऊपर रहता था, कभी मछलियां मार देता था, कभी कछुए, कभी क्या, कभी क्या। तो अब क्या होगा, ये आएगा नहीं जब तक ईगल यहाँ पर बैठा ना, शयान डरता है नहीं जाता। बुलाता है पहले, चाचू मुझे ऊपर आना है, ईगल को हटा दो। ये बहुत अच्छी बात है ना, थैंक यू ईगल, थैंक यू, जो काम हम सालों से नहीं कर पाए आज तुमने करके दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? वहां पर देखें यार, बिल्ली आई हुई है और ये मेरे ख्याल में हमारे नेबर्स की बिल्ली है। हेलो, देखे कबूतरों को ताड़ के बैठी हुई है, सिपाहियों इधर आओ। इसको यार मैं भगा दूं, ये ना हो कि हमारे कबूतरों को पकड़ ले, बस इसका पकड़ना ही काफी होता है, फिर जहर फैल जाता है और वो मर जाता है हमारा कबूतर। जो भी यहाँ से चले यार, हमें नजर रखनी पड़ेगी, ये ना हो कि हमारे कबूतरों पर ये हमला कर दे। और अभी मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ दोस्तों, ये हमारी जो मुर्गी है ना, ये ऑरेंज वाली, ये भी आज अंडा देने के लिए जगह ढूंढ रही है। कल हमारी ब्लैक वाली मुर्गी अंडा दे रही थी और आज हमारी ऑरेंज वाली मुर्गी अंडा देगी इंशाल्लाह। इसका मतलब ये हुआ हमें अब दो मुर्गों को पता चल गया है जो हमारी अंडे देती हैं। ये अच्छी खबर होगी मेरे लिए, मुझे तो बहुत ज्यादा यार खुशी होती है जब मेरी मुर्गी अंडा देती है। तो अभी सिप्तान पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पर, सुबह से लगा हुआ है यार। छोटे पिंजरों का क्या करना है, कुछ लेने जाना है क्या आज? अभी ये सेट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने डाली है फिंचीज, क्योंकि हमारे जो कबूतर है ना, वो जो नेल है कल जैक पिन वो जो है ना तंग हो रहे हैं फिंचेस के साथ लड़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ फिंचेस को इसमें डाल लेंगे, वो कबूतर उस खुले पिंजरे में। हाँ, ठीक है, सही है, ऐसे करते हैं। ये वाला भी तो है पिंजरा यार, वो खराब है, मैंने चेक किया। तुम्हारे पर यार नहीं आ रहे, नहीं तो आज तुम ना अपने दोस्तों की तरह ऊपर उड़ रहे होते हैं। कहाँ है पत्नी? खैर जल्दी से पर तुम्हारे आ जाए, फिर तुम्हें भी हम आजाद करें। मुझे लगता है यार सितैन ये ईगल आजाद होना चाहता ही नहीं है, नहीं तो अब तक इसके पर आ जाने चाहिए थे यार। पता नहीं क्या वजह होगी यार, हम टाइम पर खुराक देते हैं इसको, फिर भी इसके पर नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही। जो 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 चले गए यार। और अब दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ कि इनके बच्चे निकले हैं या नहीं निकले, काफी दिन हो गए यार ये अंडों पर बैठे हुए हैं, तो आज देख लेते हैं। आज अभी देखते हैं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया हुआ अंडों में। हाँ, क्रैक नहीं है, कोई भी क्रैक नहीं है, अभी टाइम है मेरे ख्याल में, तो रख देते हैं वापस। चलो भाई इनक्यूबेट करो, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, सॉरी सॉरी, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ओके, ये दे दिया, दे अभी अभी दिया, अभी अभी निकला है। ये देखें ताजा ताजा अंडा, ये देखो सारा गीला था ना, इसमें मट्टी लगी है, तो आप साफ कर लेना यार। ये जगह है उसके देने की भाई, नरम जगह है, मट्टी है यहाँ पे, और क्या चाहिए इसको, फिट है। ये लो, ये यहाँ रख दो, ठीक है, एक एक करके मैं डालता जाऊँ, ठीक है। दरवाजा बंद कर दू ना। अच्छा, शुक्र है यार मैंने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये क्या किया इसने, अभी मैंने कैमरा ऑफ ही किया था, इसने ना बड़ा गेट खोल लिया और एक स्विच मारी है, देखे यहाँ पर आके बैठ गई। कौन सी है, स्ट्रॉबेरी है ना? नहीं नहीं, ये दूसरी है, जंगली जंगली है। आ जाओ पकड़ लो, ट्रैप यार, निकल जाए, तुम इसको पकड़ो, ठीक है, मैं दूसरे वाले। अच्छा मैं लाइट ऑफ करके पकड़ता हूँ इसको। पकड़ लिया, पकड़ लिया। ट्रैप तुम पागल हो, गया आ गया, फिर आ गया। हमने लाइट ऑन कर दी, हमने गेट भी खोल दिया, ले आओ। तो सारे पिंजरे दोस्तों मैंने सेट कर दिए हैं, ऊपर ऊपर फिंचेस हैं, फिर कबूतर, फिर हमारे बजीज और फिर हमारी डव्स। डव्स का खाना खत्म हो पड़ा है, हम इनको खाना डालते हैं और फिंचेस के लिए भी खाने का बंदोबस्त करते हैं और अपने कबूतरों के लिए नेस्टिंग बॉक्स भी रखते हैं। दिखाओ मुझे, हाँ खोलो दरवाजा, खोलो इनका, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पर हमारी फीमेल पिजन बैठेगी और अपना घोंसला बनाएगी इंशाल्लाह। और अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि डव्स को खाना देते हैं और फिंचेस के खाने के बर्तन रखते हैं और अपनी बतकों और मुर्गियों को खुराक देते हैं। गंजी मुर्गी बाहर क्या कर रही थी यार, और तो कोई बाहर नहीं है यार। हमारे डव्स को ना जहाँ पर पानी नजर आता है वहां पर चली जाती है, टूट पड़ती है। तो अब सिप्तान चलो यार इनको लेके चलो अंदर यार। चलो भाई चलो चलो, जाओ 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 जाओ। चलो भाई बंद कर दो दरवाजा। मेरे जहन में अभी एक चीज आई है। क्या? तो ये है कि हमारे जो बेचारे डक्स है ना, हाँ, इनको नहाने के लिए कुछ करना चाहिए हमें यार। अभी पर जो हमारा फाउंटेन है, हाँ, उसमें पानी भर के इनको नहला सकते हैं ना, क्योंकि मछलियां भी नहीं है अभी। तो ऐसे, हाँ ऐसे कर लेते हैं, फिर सारे बतकों को ना ऊपर लेके जाना पड़ेगा सिप्तान एक एक करके ना। हाँ, तो ले तो आएंगे, सही है ना, फिर करते हैं, चलो पक्की बात है। तो आज दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी डक्स को ना स्विमिंग कराने वाले हैं अपने फाउंटेन के अंदर। वहाँ पर मछलियां नहीं है तो अब हम उनको नहला सकते हैं, अगर मछलियां होती तो फिर थोड़ा सा डर था कि हमारे डक्स मछलियों को ना डर नहीं था, कंफर्म था उन्होंने खाने ही थे। हाँ ऐसे ही होता है, चलो फिर ऊपर चले सफाई करते हैं ना फाउंटेन की।
टाइलों पर सफाई करना ना बहुत ज्यादा इजी है, मैं सिर्फ झाड़ू ऐसे से कर रहा हूँ ना, सारी मिट्टी जो जमी हुई थी ना ये देखें कैसे साफ हो रही है, आराम से साफ हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली यार फाउंटेन को मैंने साफ कर लिया, अभी क्या किया मैंने पानी खोल दिया है, तो कुछ ही देर के अंदर इसके अंदर जब पानी यहाँ तक आ जाएगा ना तो हम क्या करेंगे बंद कर देंगे इसको, फिर उसके बाद हम अपनी डक्स को भी लेने जाते हैं। तो आप अभी तक नहीं आया, सारी सफाई मैंने कर लिया खुद ही, मैंने कहा जब तक वो आते मैं सफाई कर दूंगा, वो खुश हो जाएगा देखेगा जब, तो ये अच्छा किया मैंने आई थिंक। तो अभी क्या करना है सब डक्स को सेफ्टी रूम में लेके जाना है, उसके बाद इन सबको पकड़ के ऊपर लेके जाना है। चलो चलो उधर 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 सर, काफी मेहनत के बाद हमने इतनी पकड़ी है, ये पहले रख के आते हैं फिर बाकी लेने आते हैं। आराम से आराम से आराम से, चलो चलो गिरने नहीं चाहिए। ये कैसे आ रहे हो तुम? ओहो एहतियात से एहतियात से, इधर छोड़ दो। हाँ थोड़ी देर के अंदर ये डक्स इसके अंदर होंगे और देखिए पानी कितना भर गया, बस थोड़ा सा रहते तभी हम बंद कर देंगे इसको। जो और थी वो नहीं उठाई, उनकी टांगों का मसला था। अच्छा अच्छा, ठंड लग जाते हैं उनको, मैंने फिर उनको वहीं रहने दिया। बिल्कुल अच्छा, इनको सिर्फ हम नहलाएंगे। चलो 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 भाई जल्दी से अंदर डाल दे, मैं कहता हूँ नल बंद कर देते हैं। ओए 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 ओए, ये जाएगी अभी जाएगी, ये देखो वाओ एक और भी गई। अरे मेरे ख्याल में ये वाले डक्स ना इनको चिढ़ा रही होंगी की देखो हम नहा रहे तुम आ नहीं पा रहे। ये देखें सीढ़ियां बना दी हमने, अब देखते हैं जा पाते नहीं जा पाते। भाई वो देखो बाकी तो जब भी ना है इसकी डुबकियां चेक करो तुम, बाकी डालो भाई ये खुद नहीं जा रही, सारा मजा ले लेंगी ये। चलो भाई पकड़ो इनको डाले, आपने देखा था जब मछली की तरह ऐसे जा रही थी अंदर, ये भी गई और ये भी गया। वो देखो अंदर गई, अंदर गई, वो घूम रही है वो, इसको देखो। हमारी डक्स दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं और हमें ये पहले क्यों नहीं आया जहन में, हम काश ये पहले कर लेते ना, बहुत ही अच्छा लगता ये हमारे डक्स को भी हमें भी। और आज हमारे डक्स बहुत ज्यादा खुश हैं इस फाउंटेन में, और मैंने सोचा है कि जब तक हम मछलियाँ नहीं लेते, हमारी मछलियाँ नहीं आती, हम अपनी डक्स को रोजाना यहाँ पर लेकर आया करेंगे। बल्कि सिपेन बल्कि ऐसा करते हैं डक्स को इधर ही रहने देते हैं यार ऊपर ही, हाँ जब तक मछलियाँ नहीं आती, क्योंकि रोज यार नहाया करेंगी यहाँ पर, खुश होंगी साफ सुथरी रहेंगी। हमारी मिनी जो में देखा था मट्टी मट्टी हुई पड़ी थी, अब देखना ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगी सिप्तान, बहुत प्यारी लग रही है यार, नेचुरल फील आ रही है सिप्तान, बहुत खूबसूरत है। देखें ऐसे डुबकी ऐसे मारती जैसे नीचे कोई मछली हो, ओए क्या हो गया। देखें यार कितना प्यारी लग रही है, इनको देख के मेरा दिल करने लगे कि मैं नहाऊं, तो जाओ अंदर। चले यार इनको नहाने देते हैं, अपनी मर्जी से ये बाहर आएंगी। और हमने फैसला किया कि हम अपनी इंडक्स को मिनी जू में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर इनका पाउंड नहीं है, यहाँ पर रहेंगी ये जब तक हमारी मछलियां नहीं आती। आ जाओ सिप्तान नीचे, चलो आ जाओ सिप्तान आ जाओ। तो अब दोस्तों हम ना क्या कहते हैं अपने पिजन्स को और अपनी डव्स को ना खाना दे देते हैं। और ये वाली डक्स जो थी ना दोस्तों, ये वाली मैं इनकी बात कर रहा था, इनको हम ऊपर लेके नहीं गए क्योंकि लंगड़ा के चलती है, एक ये वाली एक इसकी फीमेल ये वाली जो खड़ी है, तो इनको हम बाद में कभी लेके जाएंगे। सिप्तान चलो यार इनको दे देते हैं, ये किसको दूं? ये पिजन के घर में रख दो। हाँ इसी वाला, हाँ हाँ ये वाला रख दो। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारी डव्स खाना खा रही हैं और यहाँ पर बजीज भी खाना खा रहे हैं और फिंचिस भी आ गई हैं खाना खाने के लिए। एक मिनट एक मिनट, हाँ जाओ भागो। अरे वाह, आज पैंथर को डॉग फीड, मिल्क और थोड़ी सी रोटी मिक्स करके हमने दी है। हाँ पानी भी है इसमें, ये खालिस मिल्क नहीं है, पानी ऐड है इसमें। तो पैंथर बहुत शौक से खाता है यार डाइट अपनी। कैसी है पैंथर, हैं कोई लिफ्ट नहीं है? खाओ खाओ, चलो चलो शाबाश, खा लो खा लो, फिर तुम्हारा टाइम आ गया, फिर तुम्हें बंद कर देंगे हम, ठीक है? शाम हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह
तो सारी डक्स इन्होंने यहाँ पर नहा लिए, सिर्फ एक रहती वो बाहर ही नहीं आ रही, पता नहीं इसको क्या हो गया, यानी अंदर मजा ही आ गया इसको, तो आ नहीं रहा है। बिल्कुल अपनी सफाई करेगी फिर बाहर निकलेगी भाई। अच्छा तुम्हें बताया उसने? हाँ हाँ उसने बता दिया मुझे। फाइनली फाइनली यार इसका दिल किया कि भाई मैं निकल जाऊँ, ठंड ना लग जाए, तो ये भी आ गई है बाहर, क्या बात है। मेरे ख्याल में ये कबूतर भी देख रहे होंगे आज क्या आ गया यहाँ पर, और इनका शायद दिल कर रहा होगा हम भी नहा लें वहाँ पर। ये भी जा सकते हैं? नहीं ये सर्दी में नहीं नहाते, ये गर्मी में नहाते। कल नहाए थे ये प्रात में। अच्छा हाँ। तो फिर इनका दिल करेगा तो ये भी नहा लेंगे भाई, रोक तो नहीं सकते ना हम, जिसने नहाना है नहा सकता है। जाओ भाई जाओ, शाबाश शाबाश, चलो ऐसे नए घर में आ गए भाई ये लोग। हाँ भाई खरगोशों के साथ बना के रखनी है ठीक है, सारे छुपे हुए अंदर। तुमसे डर गया? ओ ये भी डर गया, सारे डर गए भाई डग से, लेकिन कोई बात नहीं यार, इनके लिए ही कर रहे हैं हम सारा कुछ, डग्स के लिए। चलता है चलता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। आज हम अपनी डक्स को छत के ऊपर लेकर आए हैं और फाउंटेन में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नहाया। जब तक मछलियां नहीं आती दोस्तों हमारी डक्स इधर ही रहेगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।